गाजियाबाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण में भ्रष्टाचार के जिम्मेदार गाजियाबाद के पूर्व डीएमओ विमल कुमार शर्मा व पूर्व निधि केसरवानी सहित अन्य अफसरों पर कार्रवाई के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में धारा 3D के अधिसूचना के बाद के नामों को निरस्त करने के लिए निर्देश दिए गए। हालांकि सीबीआई या उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से जांच अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। राजेंद्र यादव। राजेंद्र जी, आप क्या करते हैं और कौन सी पार्टी से आप? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। राजेंद्र जी, हमारा सवाल है, पिछले 20 साल से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। राजेंद्र जी, हमारा सवाल है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भूमि अधिग्रहण को लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें पूर्व डीएम गाजियाबाद में विमल कुमार शर्मा, पूर्व डीएम निधि केसरवानी और एडीएम श्री घनश्याम इसमें लिप्त पाए गए हैं और प्रदेश की योगी सरकार के अंदर अब घोटाले खुल रहे हैं। क्या कहेंगे कि किस प्रकार का घोटाला हुआ है और किसानों को कैसे ठगा गया है? ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, किसानों के हित की तो सरकार है ही नहीं, किसानों की तो सोच ही नहीं रही है और किसानों को नेस्तो नाबूद करने की काम करने का काम कर रहे हैं। और जो जितने भी अधिकारी हैं प्रदेश सरकार में, इन सरकारी सरकार तंत्र पूरी तरीके से फेल है। मुख्यमंत्री जी इन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सरकार में अधिकारी अपनी मनमानी कर रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, सबको जो है कुचलने का काम कर रहे हैं अपनी मनमानी के आगे। ना किसी अधिकार, ना किसी नेता की सुन रहे हैं, ना मुख्यमंत्री की सुन रहे हैं। यहाँ किसान भी परेशान है, यहाँ आम जनता पूरी तरीके से परेशान है। जिस प्रकार से ये घोटाला सामने आया है, और भी जितने भी घोटाले, मैं तो ये चाहता हूँ अपने किसानों की तरफ से, उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ से, कि किसानों को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के साथ साथ में जो उनकी ज़मीन इन्होंने धोखेबाजी करके गजट होने के बाद में अपने चहेते लोगों को बैनामे करा करके और सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके उसको अपना फ़ायदा कराने के लिए अपने जितने भी चहेते लोगों को इन्होंने, सरकार के रेट ज़्यादा थे, किसानों से मंदे भाव में लेकर किसानों को लूट करके अपने चहेते लोगों को और अपनी जेब भरने का काम किया और किसानों को बिल्कुल बर्बाद करने का काम किया। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे प्रदेश के किसान हैं या इस संबंध से जो किसानों की ज़मीन गई है, उनके बैनामे कैंसिल होकर के और उन किसानों को जो असली हक है उनका, जो उन्हें मुआवजे का राइट मिलना चाहिए, जो हमारी पिछली ही 2011-12 में सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ आया था कि देहात में 4 गुना और शहर में 2 गुना, तो मैं ये चाहता हूँ उस लॉ के अनुसार किसानों को इसका जो है मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, हम बात करें पूर्व डीएम विमल कुमार शर्मा की, मैं ये चाहता हूँ जो भी पूर्व डीएम रहे हों, पूर्व एडीएम रहे हों, जितने भी अधिकारी रहे हों, जो भी अगर उसमें बिल्कुल निष्पक्षता से जांच हो और जो उसमें दोषी पाया जाए उसमें डीएम हो, एडीएम हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजने का काम किया जाए और किसानों को उचित मुआवजा देने का काम करें।